आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सिर की है योगेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं योगेश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। योगेश जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की है, जब मेरे चाचा जी एक ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे। उस वक्त हमारे घर की आर्थिक हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ऐसे में इस घटना ने हमें काफ़ी डरा दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि देर रात मेरे चाचा जी अपनी आखिरी सवारी को छोड़कर घर लौट रहे थे। चाचा जी रोज़ाना जिस रास्ते से आना जाना करते थे वो रास्ता किसी वजह से बंद था। खैर, चाचा जी दूसरे रास्ते पर घर की ओर बढ़ने लगे। उस सुनसान रास्ते पर चाचा जी के सिवाय कोई परिंदा भी नहीं था और तो और उस पूरे रोड पर एकाध जगह ही लाइटें थी, बाकी पूरा का पूरा रोड अंधेरे में डूबा हुआ था, जिससे चाचा जी की थोड़ी हिम्मत से टूट रही थी। चाचा जी अभी उस सुनसान रोड पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने सड़क पर एक औरत दिखी जिसके साथ एक बच्ची थी, जिसकी उम्र देखने से तो तकरीबन 7-8 साल की ही लग रही थी। चाचा जी को उनके पास पहुंचते ही उस औरत ने कहा, भैया क्या आप हमें थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? वो क्या है कि बच्ची चल नहीं पा रही है और रात भी काफ़ी हो गई है। इस पर चाचा जी ने कहा, हाँ जी बहन जी, क्यों नहीं बैठिए। अब चाचा जी उस औरत और उस बच्ची को लेकर आगे बढ़ी जा रहे थे कि तभी उस औरत ने कहा, भैया यहाँ से दाएं ले लेना। जिस पर चाचा जी ने ऑटो रोकते हुए पूछा, इधर कहाँ घर है आपका, इधर तो जंगल है। जिस पर उस औरत ने कहा, अरे नहीं भैया, इधर ही घर है मेरा। लिहाजन चाचा जी उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाते ही उस औरत ने कहा, बस बस भैया यहीं रोक दो, भैया आप यहीं रुको, मैं आपका किराया लेकर आई। यह बोलकर वो औरत और वो बच्ची घर के भीतर चली गई। अब उनको गए हुए काफ़ी वक्त बीत गया था। रह रहकर चाचा जी भी अब परेशान होने लगे थे। अब चाचा जी का सब्र का बांध टूट गया था। चाचा जी ऑटो बंद करके उस घर की तरफ बढ़ने लगे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही चाचा जी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। 3-4 बार दरवाज़ा पीटने के बाद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। चाचा जी ने घर के भीतर दाखिल होते हुए कहा, अरे बहन जी मेरा किराया तो दे दो। चाचा जी अभी घर के भीतर दाखिल हुए ही थे कि तभी उन्हें घर के भीतर वो औरत और वो बच्ची जलती हुई दिखी। पर हैरानी की बात तो यह थी कि जलते वक्त ना तो वो औरत छटपटा रही थी और ना ही वो बच्ची। चाचा जी वहाँ से भागकर ऑटो में आए। ऑटो स्टार्ट करते ही चाचा जी सोच में पड़ गए कि वो औरत और वो बच्ची कहीं सच में तो नहीं जल रही थी। डरे सहमे चाचा जी अभी यही सोच रहे थे कि तभी इतने में ही पीछे से एक आवाज़ आई, अरे ड्राइवर साहब अपना किराया तो लेते जाइए। इस आवाज़ को सुनकर चाचा जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देख पाएं। फिर भी हिम्मत जुटाकर चाचा जी ने पीछे देखा तो उनका दिल दहल गया। चाचा जी ने देखा कि वही औरत उनके सामने है। उसका पूरा शरीर जला हुआ है। उसकी लाल सुर्ख आँखें और जला हुआ चेहरा देखकर चाचा जी का शरीर ठंडा पड़ने लगा। किसी तरह जब चाचा जी ऑटो भगाकर वहां से दूसरे रोड पर पहुंचे, ऑटो ड्राइव करते वक्त हड़बड़ाहट में ऑटो एक पेड़ से जा टकराई, जिस वजह से
चाचा जी को काफ़ी चोट आई। चाचा जी को इस तरह जख्मी देख वहीं से गुजर रहे दो आदमियों ने उनकी मदद की, जिन्होंने उन्हें बताया कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले उस घर में 3 लोगों का परिवार रहा करता था, पति पत्नी और उनका 1-7 साल की बच्ची। एक दिन पति पत्नी की आपसी नोक झोंक की वजह से उस औरत ने खुद को और अपनी 7 साल की बेटी को जलाकर मार लिया था। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है और उस एरिया के आसपास कोई भी 1 इंच जमीन नहीं खरीदता। इस घटना के बाद चाचा जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर 15-20 दिन बाद चाचा जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी योगेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।